तो जिस प्रकार से वैश्य समाज को लगातार अपमानित करने का काम कर रही है सरकार और राजद के लोग, तो वो वैश्य समाज भी समय पर बदला लेगी। पहले भी उनको धूल चटाया है, आगे भी धूल चटाएगी। मंत्री जी को याददाश्त रहता है कि वो क्या बोलते हैं। बिहार के लोग देख रहे हैं कि जिस मुख्यमंत्री को कोई चीज़ पता नहीं हो अपने राज्य का, वो अमित शाह के शब्दों को क्या समझेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर पहुंचते हैं और उनका कहना होता है कि लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी तेल और पानी की तरह है। तो राबड़ी देवी का बयान सामने आता है और राबड़ी देवी कहती हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री बनिया हैं, इसलिए वो इस तरह का बयान देते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, वर्तमान बीजेपी विधायक नितिन नवीन, जब हमने उनसे इस बारे में बातचीत की। देखिए, जिस प्रकार से वैश्य समाज का हमेशा अपमान किया है, शोषण किया है, दोहन किया है राजद के लोगों में, तो राजद के मन में तो हमेशा वैश्य समाज के प्रति यही अपमानित शब्द रहे हैं और वैश्य समाज को हमेशा अपमानित। मैं तो पूछना चाहता हूं, जो वहां वैश्य समाज के नेता हैं उनका क्या कहना है। बहुत लोग वहां पर अभी हैं, तो जिस प्रकार से वैश्य समाज को लगातार अपमानित करने का काम कर रही है सरकार और राजद के लोग, तो वैश्य समाज भी समय पर बदला लेगी। पहले भी उनको धूल चटाया है, आगे भी धूल चटाएगा। अपने संकेत में अमित शाह ने कहा कि बहुत जल्द विधानसभा चुनाव हो सकता है, तो लरन सिंह कहते हैं कि भविष्य वक्ता हैं वो। अरे भैया, तो विधानसभा चुनाव तो जिस तरह से पगडंडी पे सरकार चल रही है कि बैसाखी पे सरकार चल रही है, तो गलत क्या बोल रहे हैं। आज 43 विधायकों के व्यक्ति मुख्यमंत्री बनकर बैठा है 243 के सदन में, तो निश्चित रूप से वो सरकार कब गिरेगी, तो लालू जी के दया पर चल रही है। जिस दिन लालू जी का मन बदला, उस दिन नीतीश जी जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमित शाह अंडबंड कुछ भी बोलते हैं, उनको जानकारी नहीं है बिहार के बारे में। मुख्यमंत्री जी को याददाश्त रहता है कि वो क्या बोलते हैं। हर बात जब पूछते हैं आप लोग, तो बगल वाले से पूछते हैं क्या हुआ। पटना में लाठीचार्ज है, उनको पता नहीं। बिहार में कोई घटना घटती है, उनको पता नहीं। तो जो राज्य का मुख्यमंत्री, उनको किसी विषय की जानकारी नहीं हो, अब वो ये शब्द का प्रयोग करेंगे, जो शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो उनको मुबारक हो। बिहार के लोग देख रहे हैं कि जिस मुख्यमंत्री को कोई चीज़ पता नहीं हो अपने राज्य का, वो अमित शाह के शब्दों को क्या समझेगा। आज कहे उन्होंने कि तैयार हैं हम लोग चुनाव के लिए। किस चुनाव का, ये उनसे पूछना चाहिए। बिहार की जो स्थिति है, तो अभी तो विधानसभा चुनाव होने की स्थिति है, तो हम लोग तो तैयार हैं। विधानसभा, लोकसभा जिसको कराना करा लीजिए। लोकसभा समय पे होगा, लोकसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार है। नरेंद्र मोदी ने 303 सीटों की भाजपा को बना के वहाँ पर पूर्ण बहुमत में रखा है। आप बताइए कि आप 43 सीटों पर क्या कर पाएंगे। धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।